हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी को मेरे ओर से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अभी है हम गाइस महादेव में, बड़ा महादेव। तो यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे एवं यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में शो कराएंगे, तो बने रहें आप। तो फाइनली गाइस हमारे साथ सचिन मिल चुके हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। समथिंग 3 साल पहले मिले थे और आज मिले हैं महादेव मेला में। तो बहुत ही एक्साइटेड हैं गाइस, बहुत मज़ा आया गाइस। तो बताते हैं यहाँ का पूरा टूर आपको। तो गाइस यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो अभी हम जा रहे हैं गुप्त महादेव मार्ग, तो चलते हैं वहाँ पर। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे साथियों के साथ में हम जा रहे हैं गुप्त गुफा, महादेव से गुप्त गुफा की ओर जा रहे हैं। तो दिखाते हैं वहां का नज़ारा, तो चलते हैं। अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, पहुंचते हैं वहां पर। तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं गुप्त गुफा। आप देख सकते हैं पीछे हनुमान जी की मूर्ति है, और जहाँ पर बताया जाता है कि श्री वैष्णो देवी जहाँ पर अंदर विराजमान थी, जब राक्षस ने उसको भगा के यहाँ पर भिजाया था तो हनुमान जी ने इनकी रक्षा की थी। तो यही वो जगह है, आप देख सकते हैं इनका गुफा है। तो अंदर प्रवेश हम करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये हम गुप्त गुफा में घुसे थे जहाँ माता जी विराजमान है। तो गाइस अभी हैं हम गुप्त गुफा में, तो यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है आप देख सकते हैं, और अंदर जो है वैष्णो देवी, यानी कि यहाँ पर माता जी आके गुप्त हो चुकी थी और जो हनुमान जी हैं उन्होंने उनकी रक्षा की थी। और यहाँ का आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थल पचमणी के महान स्थल पर पाया जाता है, और समथिंग यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर सोनागढ़ पड़ता है, और इधर चले जाओ 500 मीटर तो बड़ा महादेव के नाम से विकसित है। तो बताएंगे आपको पूरा नज़ारा, बने रहें। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, स्वयं शिव जी हमारे साथ हैं, पधार चुके हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं और हम भी प्रणाम करेंगे। शिव जी वायरल कर दो, वायरल कर दो। तो गाइस देख सकते हैं कुछ लोग हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो हाय गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे साथ में कुछ ऑफिसर मिले हैं भक्तों के लिए, रक्षक के लिए यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ये गुप्त द्वार है आप देख सकते हैं, यहाँ पर है हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम फाइनली गुप्त गुफा से रिटर्न आ चुके हैं बड़ा महादेव, और आपको यहाँ पर बड़ा महादेव का सीन क्रिएट कराते हैं, बने रहे हैं आप। तो गाइस हमने एंट्री कर दिया है, और आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ कितनी सारी लगी है। तो हम जो जा रहे हैं वो बड़ा महादेव का द्वार है, तो लेके चलते हैं सीधा वहीं पर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं महादेव गुफा, आप देख सकते हैं कितना यहाँ का वेरी नाइस व्यू है, और देख सकते हैं भक्तों की भीड़ ये, और इसके बाद में हम अंदर प्रवेश करते हैं, चलते हैं अंदर। तो फाइनली गाइस हम महादेव गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं गुफा कितना सुंदर है, महादेव को गुफा से नाम से विकसित है। कुंड का नाम है भस्म कुंड, जहाँ पर जितने भी पाप होते हैं यहाँ पर आके भस्म हो जाते हैं यहाँ पर स्नान करने से। यही वो कुंड है, करीब पड़ता है, और वो वाला जो है वो पार्वती गुफा है। तो चलते हैं पार्वती गुफा के अंदर। तो गाइस
एक चीज़, तो गाइस हमने पार्वती जी के दर्शन कर लिए, बहुत ही फील अच्छा फील हुआ गाइस, सच में बताऊं। आप भी आइए, यहाँ का फील करिए। वाकई में लोगों ने तारीफ़ किए, कम तारीफ़ किए, बड़ा महादेव। महा नाम लेने से सुकून मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में, नेक्स्ट सीन में आपको क्रिएट कराएंगे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं काल भैरव पहाड़ी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी है, और जहाँ का हम दर्शन कराएंगे आपको, तो करते हैं दर्शन। तो गाइस आप देख सकते हैं हम राम मंदिर के करीब खड़े हैं, और चलिए अंदर हम प्रवेश करते हैं। अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, तो नियम का पालन करना ज़रूरी है। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस अम्बा माई बड़ा महादेव ये हमारा लास्ट द्वार है, इसके बाद में हम यहाँ से निकलते हैं। बाय महाराज, बड़ा महादेव बहुत मिस करेंगे, बाय बाय, मिलते हैं अगले साल।